यहाँ आप देख सकते हैं हम टूटी फ्रूटी केक बना। सबसे पहले ऑयल और शुगर को हम बीट कर लेंगे, तब तक करना है जब तक शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। शुगर डिज़ोल्व होने के बाद में हम इसमें एग डालेंगे एक एक करके, फिर उसे भी हम बीट कर लेंगे। इस केक को बनाने के लिए मैंने 2 अंडों का इस्तेमाल किया है, एक एक करके डाल के इसे हम बीट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम मैदा ले रहे हैं, 80 ग्राम जितना मैंने मैदा लिया है, और इसे भी हम डाल के इसे भी हम बीट कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स। इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे और आधा चम्मच से भी कम इसमें नमक डालेंगे, और सारे चीज़ों को अच्छे से हम बीट कर लेंगे। अब इसमें टूटी फ्रूटी डाल देंगे 40 ग्राम जितना, इसे भी अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अब इनको हम अच्छे से बीट करते हुए अच्छा एक पेस्ट बना लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा। और फिर मैं इसे अब इसे मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मोल्ड में डाल के मैं इसे सेट कर दूंगी, और ऊपर से मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। अब मैं इसे बेक करने के लिए ओवन में डालूंगी 180 डिग्री पे 25 मिनट्स। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे ओवन में रख दिया है, और ये हमारा टेस्टी डिलीशियस टूटी फ्रूटी केक टी टाइम पे भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे भी इसे बड़ा पसंद करते हैं, आप भी इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।